नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सुमित। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे बोर्ड कैसे बनाते हैं और इसके कनेक्शन कैसे करते हैं। देखिए, इतनी सिंपल भाषा में, इतनी आसान भाषा में, इतने सरल तरीके से मैं आपको बताने वाला हूं कि घर पे कोई भी बोर्ड के कनेक्शन कर लेगा, चाहे कोई भी हो, बच्चा भी कर लेगा। ठीक है, तो इस वीडियो को दोस्तों पूरा देखिए। इसलिए मैंने पूरा 15 मिनट का वीडियो बनाया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और ख़ुद घर पे ही आप जो है ये काम कर सके। देखिए, सबसे पहले हम इसमें एक होल्डर लगा लेते हैं। तो देख सकते हैं आप, होल्डर की कटिंग भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें होल्डर की कटिंग नहीं है। यहाँ पे बटन की कटिंग थी, मैंने उसी पे होल्डर जो है इसमें लगा दिया है। और इसके पीछे दो पेज में इसमें कस लेता हूँ। दोस्तों, अगर आप फिटिंग से रिलेटेड वीडियो चाहते हैं या लेंटर फिटिंग से रिलेटेड वीडियो चाहते हैं तो वो भी हम अवेलेबल करेंगे, चैनल पे डालेंगे। तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं इस चीज़ के बारे में। और घर पे कनेक्शन कैसे करते हैं, सभी बोर्डों के कैसे फिटिंग करते हैं वो भी हम आपको बताएंगे, चाहे इंटरनल फिटिंग हो चाहे एक्सटर्नल हो, दोनों को। तो यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने इसको लगा दिया है। अब यहाँ पे एक सॉकेट हम यूज़ करेंगे और यहाँ पे हम एक सॉकेट लगा रहे हैं। देख सकते हैं, इसमें दो पेज हम लगा लेते हैं और इसको भी हम कस लेते हैं। दोस्तों, देख सकते हैं, तो हमने एक सॉकेट यहाँ पे लगा लिया है और इसको अच्छे से हम टाइट कर लेंगे, देख सकते हैं। और हम यहाँ पे जो है चार बटन का यूज़ करने वाले हैं, तो चारों बटनों में हम जो है पेच लगा लेते हैं, देख सकते हैं। हर बटन के अंदर दो पिन है, इसके कनेक्शन कैसे करेंगे इसको फिट करने के बाद हम आपको बताएंगे आसान भाषा में, आसान तरीके से। और भी कई तरह के बोर्ड होते हैं, अलग अलग तरह के, सभी की वीडियो मैं अवेलेबल कराऊंगा। अगर आप देखना चाहें तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर करें। आप किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं, किस चीज़ की वीडियो देखना चाहते हैं वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताया करो। हम आपका जो भी सवाल होगा उसके ऊपर वीडियो ज़रूर बनाएंगे, जो भी कमेंट आपका होगा उस पर वीडियो ज़रूर बनाएंगे। देख सकते हैं, हमने इसको दो बटन लगा लिए हैं, दो स्विच और लगाएंगे अब हम, देख सकते हैं। और इनको भी हम लगा लेते हैं जल्दी से, फिर इसके कनेक्शन की तरफ चलते हैं। तो जो मैं कनेक्शन इसके बताऊंगा उसका जो आप स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लीजिएगा। और बटन आपको सुलटे लगाने, जितने भी बटन आपको सीधे लगाने हैं, उल्टे मत लगा देना। तो इसके ऊपर सुलटे और उल्टे का पता करने के लिए जो बटन होते हैं उसके ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो इस पर कंपनी का ब्रांड का नाम लिखा होता है, तो वो सुलटा होना चाहिए। अगर वो उल्टे नंबर आ रहे हैं या उल्टा नाम लिखा आ रहा है तो बटन उल्टा है, सुलटा आ रहा है तो सुलटा है, तो वो देख करके आप बटन को लगा लीजिएगा। तो हमारे सभी बटन जो है कम्प्लीटली लग चुके हैं। चार बटन है, एक सॉकेट है और एक यहाँ पे बल्ब के लिए होल्डर है। अब सभी का हम जो है कनेक्शन करके आपको बताएंगे, तो जल्दी से कनेक्शन हम जो है कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब शुरू करते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको इसके कनेक्शन सिखाऊंगा, तो ध्यानपूर्वक कनेक्शन को देखिएगा। जी हाँ दोस्तों, देख सकते हैं कनेक्शन हम आपको बताने जा रहे हैं, तो ध्यानपूर्वक देखिएगा। ओके, यहाँ पे चार बटन हमने लगाए हैं, एक यहाँ पे बल्ब का होल्डर है और यहाँ पे एक हमारा सॉकेट है। हमको इसमें दो कलर की वायर ले लेंगे ताकि हमें कनेक्शन करने में कोई दिक्कत ना हो। हम एक तो रेड कलर की वायर ले रहे हैं, एक पीले कलर की, ठीक है, लाल और पीली, ताकि आपको अच्छे समझ में आ सके।
सबसे पहले हम क्या करेंगे, रेड वायर लेंगे और रेड वायर इतनी लंबी ले लेंगे कि इस पिन में, इस पिन में, इस पिन में और इस पिन में ये चारों पिन एक साथ शॉर्ट करनी है, एक साथ लग जोड़नी है। तो हम नाप करके इतना लंबा इसको छील लेंगे, ठीक है। तो कटर की मदद से हम इसको छील लेते हैं इतना लंबा। देख सकते हैं दोस्तों, हमने इसको इतना लंबा छील लिया। अब इसको थोड़ा सा इस तरह से कर देंगे, देख सकते हैं। दोस्तों जो बटन है इसमें हम प्लस का यानी कि पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव का यूज हम करते हैं, यानी कि फेज का यूज करते हैं, फेज जिसको हम बोलते हैं। तो देख सकते हैं इतना लंबा हमने इसको छील लिया है। अब हम इसको इसमें लगाएंगे। किस तरह लगाना है देख सकते हैं, ये हमारे बटन है, 1 2 3 4 बटन है, सभी में दो दो पिन है, इसमें भी दो है, इसमें भी दो, इसमें भी दो, इसमें भी दो। अब हमको ऐसे लगाना है, इसको शॉर्ट करना और इसको शॉर्ट करना, इसको शॉर्ट करना, इसको, चाहे हम नीचे की साइड शॉर्ट कर सकते हैं चाहे तो, और चाहे तो ऊपर की साइड भी हम शॉर्ट कर सकते हैं, इनको भी हम शॉर्ट कर सकते हैं और इनको कर सकते हैं। तो हम इनको आपस में शॉर्ट कर लेते हैं, एक ही तार को सभी में डाल देते हैं तो सभी एक में ही जुड़ जाएंगे फिर ये सारी पिनें। इस तरह से हमको जोड़ना है दोस्तों, देख सकते हैं। इनके अंदर से निकाल लेना है। इस तरह से आपको इसके अंदर से निकाल लेना है और इधर से इसको तार को मोड़ देना है। 1 2 3 4 चारों पिन में हमने इनको डाल दिया है। अब इनको क्या करेंगे, इस तार को हम, इसके पेच को हम टाइट कर लेंगे। तो सभी को हमें बारी बारी से टाइट कर लेना है इस तरह से। देख सकते हैं दोस्तों, हमने चारों पिनों को एक साथ जोड़ करके टाइट कर लिया है। और ये जो हमारी तार है, ये जो हमारी वायर है, ये बाहर से ही हमारी एक वायर बन चुकी है। अब हम इसको नाप लेंगे, जितना हमें बाहर निकालना उतना हम, मान लीजिए हमें इतना बाहर निकालना है तो हम यहाँ से इसको कट कर लेंगे, ठीक है। तो हमारी बिजली की एक तार बाहर से ये वाली लगेगी और यहाँ पर आके इन चारों पिनों में जुड़ जाएगी, ठीक है। अब दोस्तों बात रही हमारे सॉकेट की, सॉकेट के अंदर कैसे लगाना, देखिए सॉकेट के दो पिने हैं, ये पिन खाली छोड़ी जाएगी क्योंकि ऊपर वाली पिन होती है, ये वाली जो पिन होती है वो खाली छोड़ी जाती है, ये दो पिने इसी में तार लगेंगे। देखिए ध्यान से दोस्तों, मैं एक छोटा सा लाल तार ले लेता हूँ, ठीक है। और सॉकेट की दो पिनें होती हैं, किसी एक पिन में मैं इसको लगा लूँगा, किसी भी एक पिन में, ओके। तो मैं इस वाली में लगा लेता हूँ और इसको टाइट कर लेता हूँ। देख सकते हैं, और ये यहाँ पे लगाने के बाद इसको, तार को आप जो है कट कर लीजिएगा, इस तरह से कट कर लेना है और इसको छील लेना है। अब ये जो तार है जो हमने सॉकेट की एक पिन में लगाया है, हम इसमें भी लगा सकते हैं लेकिन हमने इसमें लगाया है। इसको हमें कहाँ लगाना है, हमें बटन की पिन पे लगाना है। तो हमारे पास चार बटन है, किस में लगाना है, जिस बटन से हम इस सॉकेट को चालू करना चाहते हैं उसमें लगाना। तो ये पास वाला बटन है, इसी से हम इसको चालू करना चाहेंगे,
जैसे ये सॉकेट इसके पास से ही हम चालू करना चाहते हैं हमेशा, तो इसी बटन की बची हुई पिन में हम जोड़ देंगे, इसमें नहीं जिसमें लगा है, जो बची हुई उसमें लगा देंगे। और जोड़ने के बाद क्या करना है, टाइट कर देना है। इस तरह से आपको टाइट कर देना है, ठीक है। अब हमारे सॉकेट की एक पिन और बची है, इसमें हम क्या करेंगे दोस्तों, इसमें हम पीला तार ले लेंगे, ठीक है। और पीला तार सॉकेट के पिन के अंदर जो है लगाएंगे, और इतना लंबा लगाएंगे कि हम बाहर ले जा सकें बोर्ड से। तो हम बोर्ड से इसको नाप लेंगे और हमें इतना लंबा चाहिए, हम ले लेंगे, ठीक है। इस पीले तार के साथ में हमें एक तार और लेना है, एक तार और ले लेना है, तो हम एक पीला तार और ले रहे हैं, और इस पीले तार को इसी के साथ में रखना है, इसी के साथ में जोड़ना है, इसी तार के साथ में जोड़ना है, फिर सॉकेट में हमें लगाना है, ठीक है। ये पीला तार जो बड़ा वाला है तो बाहर से आएगी इसमें सप्लाई, और ये जो इसमें बीच का जो जॉइंट है इसको हमें यहाँ पे लगा लेना है, और इसको हम टाइट कर लेंगे। ध्यानपूर्वक देखें दोस्तों, अगर समझ में नहीं आया तो हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं वीडियो इसलिए थोड़ी सी लंबी बना रहा हूँ अच्छे से आपको समझ में आ सके। अब हमने जो छोटा वाला तार लगाया था, इसमें दो तार लगाए पीले, एक तो बाहर जाने के लिए कि यहाँ पे, ठीक है। ये हम क्या करेंगे, हमारे होल्डर के दो पिन हैं, किसी एक में लगा देंगे, जो आपकी मर्जी उसमें लगा सकते हो। तो हम एक पिन में इसमें लगा लेंगे, ठीक है, और इसको टाइट कर देंगे, ठीक है दोस्तों। अब हमारी होल्डर की एक पिन और बची है, इसमें हम एक वायर लेंगे, रेड कलर का वायर लेंगे, ओके, और रेड कलर की वायर उसमें जोड़ेंगे जो हमारी पिन बच रही है होल्डर वाली, ठीक है, और इसको अब टाइट कर लेंगे। इसको टाइट करने के बाद जो हमने होल्डर में लाल तार लगाई है उसको हम उस बटन में लगाएंगे जिससे हम बल्ब जलाना चाहते हैं, इस होल्डर का जिस बटन से हम यूज़ करना चाहते हैं। तो देखिए हमारे पास ये जो बटन है ये तो हमने सॉकेट के लिए यूज कर लिया, हमारे पास तीन बटन बचे हैं, 1, 2, 3, ठीक है। इन तीनों में से हम जिससे बल्ब जलाना चाहते हैं उसका यूज़ करेंगे। तो हम ये सबसे फर्स्ट वाला जो है ये इधर का जो है, ठीक है, घुमा के दिखाता हूँ, ये वाला है, इसका हम होल्डर के साथ जोड़ना चाहते हैं, तो इस तार को हम इसकी बची हुई पिन में लगा देंगे, क्योंकि एक तार तो पहले लगा हुआ है, यहाँ पे लगा देंगे बची हुई पिन में, और इसको अब क्या करेंगे, टाइट कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये तार देख सकते हैं, अच्छे से देख सकते हैं, इसका स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं। हमारी ये, इसको हम अर्थिंग बोलेंगे, अर्थ बोलेंगे, या इसको न्यूट्रल बोलेंगे, ठीक है, या इसको नेगेटिव हम बोलेंगे, और ये हमारा पॉजिटिव तार है। तो अब हमारे पास दो तारे हैं, ये दो तारे जो हैं, ये जो बोर्ड की दो तारे, इसमें हम सप्लाई देंगे तो क्या होगा, हमारा बोर्ड चालू हो जाएगा, इस बटन से हम ये सॉकेट काम करेगा, इसमें जो भी चीज़ें लगी वो काम करेंगी सॉकेट में, ठीक है, और ये बटन दबाएंगे तो ये बल्ब भी चालू रहेगा। अभी दो बटन जो हमारे बचे हैं वो हम, अगर हम फ़ैन वगैरह यूज़ कर रहे हैं, है ना, घर में फ़ैन है एक, मान लीजिए आपका सीलिंग फ़ैन है, दूसरा आपका कोई एक और बल्ब है, उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं। तो उनके कनेक्शन कैसे करने हैं आपको, मान लीजिए हमारा एक पंखा है, इसको आप पंखा मान लीजिए, आपका सेकंड पंखा, ठीक है, ये पंखा है, इस पंखे के आपके दो तारे हैं, अगर आप लगाना चाहें तो ये दो तारे हैं पंखे की, एक तो आपको पीली वाली जो उसमें लगा देना है,
और दूसरी उस बटन में लगा देना। हमारे पास दो बटन बचे जिसका आप यूज़ करना चाहते हैं पंखे के लिए। इसमें लगाएंगे तो ये बटन से पंखा चलेगा और इसमें लगाएंगे तो ये बटन से पंखा चलेगा। ठीक है, तो हम पंखे का भी यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो कनेक्शन आपको समझ में आ गए होंगे। तो अब इन दो बटनों से दो चीज़ें और चला सकते हैं। ठीक है, तो कैसी लगी दोस्तों हमारी ये वीडियो, प्लीज़ अगर पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर कर देना और दोस्तों में शेयर ज़रूर कर देना। हम ऐसे ही वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। और इस कनेक्शन का जो है आप क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो आगे और भी तरह के हम बोर्ड बना के आपको दिखाएंगे और उनके भी आपको जो है कनेक्शन समझाएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।